नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कनाडा सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह पर उनके देश में खालिस्तानियों के खिलाफ हिंसा की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय पैनल में ये बयान दिया है। मॉरिसन ने संसदीय पैनल में कहा है कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया था कि इस मामले में भारत के गृहमंत्री अमित शाह शामिल हैं। मॉरिसन ने इस दौरान कहा कि अमेरिकी अखबार को भारत और कनाडा मीटिंग से जुड़ी जानकारी उन्होंने ही दी थी। मॉरिसन ने इस दौरान कहा, वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने मुझे फोन किया और पूछा कि ये अमित शाह वही शख्स है। मैंने कहा कि हाँ, ये वही है। हालांकि इस दौरान मॉरिसन ये नहीं बता पाए कि उन्होंने अमित शाह को लेकर ये जानकारी आखिर कैसे हासिल हुई है। ये पहली बार नहीं है जब कनाडा अधिकारी ने खुलकर भारत सरकार के किसी मंत्री का नाम लिया हो, बल्कि इससे पहले भी यानी 16 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने एक आयोग के सामने कहा था कि पिछले साल सितंबर 2023 में जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया गया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, गृह मंत्री का नाम अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने 14 अक्टूबर को कनाडाई अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मिलकर कनाडा में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और खालिस्तानी आतंकवादियों पर हमले की इजाजत दी थी। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय और कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस मामले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि भारत सरकार कनाडा के ऐसे पिछले सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसमें किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार कर चुकी है। मॉरिसन ने बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट को आखिर क्यों चुना। कनाडाई अखबार सीबीसी न्यूज के मुताबिक डेविड मॉरिसन मंगलवार को पब्लिक सेफ्टी एंड नेशन सिक्योरिटी कमेटी के सामने गवाही देने के लिए पहुंचे थे और इस समिति से जुड़े संसद रेकल डेंचो ने मॉरिसन से पूछा कि वॉशिंगटन पोस्ट तक ये जानकारी आखिर कैसे पहुंची। इस पर मॉरिसन ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर वॉशिंगटन पोस्ट को चुना। दरअसल हम ऐसा अखबार चाहते थे जो अंतर्राष्ट्रीय हो और जो हमारी यानी कि कनाडा की कहानी बता सके। इसके लिए मैंने एक पत्रकार को चुना जिसका इस मामले में लंबा चौड़ा अनुभव था और उसने इस विषय पर पहले ही कई बार लिखा भी हुआ है। इसके अलावा कनाडा पुलिस ने कहा, भारतीय एजेंट्स ने कई जानकारियां जुटाई। कनाडा और भारत के बीच हालिया विवाद की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई थी। कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भी भेजी थी और इसमें कहा गया था कि भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा और दूसरे डिप्लोमेट्स एक मामले में संदिग्ध हैं। भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को संदिग्ध बताए जाने पर विरोध जताया और कनाडा के राजदूत को तलब किया और कुछ ही घंटे बाद भारत ने संजय कुमार वर्मा और दूसरे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। इसके बाद कनाडा ने भी भारत से अपने लगभग 6 राजदूतों को वापस आने का आदेश दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी वॉल से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।